हाय फ्रेंड्स, क्लास टेंथ मैथ्स प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात करें। एस एन बराबर क्या दे रखा है अपने को, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहले तो अपने को प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो एस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एन के स्थान पर वन रख देंगे अपन, तो 4 × 1 माइनस एन का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 4 × 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 = 3। तो एस वन बराबर होता है 3। तो एस वन बराबर 3 आता है, तो एस वन क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद ही होगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ए वन समान जो समान होगा योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, उसका प्रथम पद क्या मिल चुका है अपने को, 3 मिल चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दो पदों का क्या योग क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। n के स्थान पर यदि अपन 2 रख देंगे तो 2 प्रथम पदों का योग आ जाएगा। तो n के स्थान पर यदि अपन 2 रखते हैं माइनस n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 4 गया तो 4 मिल गया। तो अपने को s2 बराबर कितना मिला, 4 मिल चुका। तो यहाँ पर क्या है, यह है प्रथम दो पदों का योग। अब अपने को पास में प्रथम पद क्या है, तो s2 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, a1 प्लस a2, मतलब प्रथम पद और दूसरे पद का दोनों का योग होता है। तो यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात है, प्रथम पद ही ज्ञात आ गया, कितना है 3 है। तो यहाँ पर s2 के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, s2 के स्थान पर रख देंगे अपन 4 = a1, a1 के स्थान पर क्या रखेंगे अपन 3 रखेंगे प्लस a2 अपने को ज्ञात करना है। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 3 = 1। तो दूसरा पद क्या मिला अपने को, 1 मिल चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा पद आ गया अपने पास में, a2 बराबर 1 आ चुका है। इसी प्रकार क्या ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, अब सार्वांतर ज्ञात होना चाहिए, सार्वांतर ज्ञात होना चाहिए। तो सार्वांतर किस प्रकार निकालेंगे अपन, तो अपने को a1 ज्ञात है और a2 ज्ञात है, इसी प्रकार से समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है ए अंत तक। तो प्रथम पद और द्वितीय पद इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सार्वांतर हो जाएगा। तो डी बराबर क्या मिलेगा अपने को, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है अपने पास में, 1 है, कितना है दोस्तों, 1 है, माइनस a1 कितना है, 3 है, माइनस 3 = 1, में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, कितना मिल गया, माइनस 2 मिल चुका है। अब अपन को सार्वांतर मिल चुका है, डी बराबर मिल चुका है अपने को माइनस का 2, कितना मिल चुका है, माइनस का 2। अपने को यदि प्रथम पद ज्ञात है, द्वितीय पद ज्ञात है और सार्वांतर ज्ञात है, तो अपन कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को तीसरा पद ज्ञात करना होगा, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, a3 बराबर a2 प्लस d, क्या हो जाएगा, a2 प्लस d। दूसरे पद में यदि अपन सार्वांतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद अपने को मिल जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a2 कितना है, 1 प्लस डी के स्थान पर माइनस का 2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो = 1 माइनस 2 = -1, तीसरा पद क्या मिला अपने को, माइनस का 1। इसी प्रकार दसवां पद क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो, a1 प्लस 10 माइनस 1 डी, जो कि होगा a1 प्लस 9 डी। यह फॉर्मूला कैसे आया, चूँकि अपने को ज्ञात है दोस्तों an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 डी। अब अपने को दसवां पद ज्ञात करना था, तो n के स्थान पर अपन 10 रख देंगे, तो 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9, और यह मल्टीप्लाई डी, तो डी हो जाएगा। a1 कितना है, 3 है, प्लस 9 इंटू डी क्या है, माइनस का 2, 9 दूनी 18 है, कितना जाएगा, माइनस का 18, और यह 3 में से 18 जाएगा तो माइनस का 15। तो a10 बराबर कितना मिला अपने को, माइनस का 15। आइए आपकी ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। अब अपने को nवां पद ज्ञात, अपने को दसवां पद ज्ञात हो गया, माइनस का 15 आ गया, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि nवां पद भी ज्ञात करो। तो an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो an ज्ञात करना है अपने को, तो a1 कितना दे रखा है अपने, कितना है अपने पास में, 3 आ गया, 3 रखेंगे, प्लस n ज्ञात नहीं है तो n माइनस 1 रहने देंगे, डी के स्थान में क्या रखेंगे अपन, माइनस का 2। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 3 प्लस ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2 इंटू n के क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा
प्लस टू, तो यहाँ से ए एन बराबर तीन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस दो एन प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस टू, तो यहाँ पर क्या मिला अपने को तीन और दो पाँच माइनस टू एन, तो ए एन बराबर क्या मिला दोस्तों अपने को पाँच माइनस दो एन मिल चुका है। ऐसा ही ये चीज़ आपके समझ आई होगी, यदि समझ आए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।